एटा जिले में अचानक थाना अलीगंज के गांधी मूर्ति चौराहे पर स्थित जर्जर पुलिस चौकी की दीवार गिर गई, जिससे वहां पर मौजूद 5 लोग मलबे में दब करके घायल हो गए हैं। वहीं से अब सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए इलाज के लिए अलीगंज CHC में एडमिट कराया गया है और पुलिस के मुताबिक ठेकेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा रही है। असल में ये यहाँ पे एक चौकी है, इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इसका ठेका जो है नीलामी में ठेकेदार को दिया गया था, तो ठेकेदार द्वारा ये तोड़ी जा रही थी पिछले 3-4 दिन से। तो आज मंगलवार था, तो उन्होंने सोचा था कि इसको तोड़ेंगे, तो उनकी लापरवाही से यहाँ पे कोई प्रशासन ना ही उसके द्वारा कोई बैरिकेडिंग की गई थी। अचानक ये तोड़ा ताड़ी चल रही थी, तो अचानक ये पूरी दीवार गिर गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है और एक ऑटो जिसमें 5 सवारी थी। मौजूद में जैसी धमक की आवाज़ आई, मैं तुरंत भाग के आया। काफ़ी धुंध था, अंधेरा था, तो जब तक मैं मोबाइल निकाले हुआ तब तक देखे कौन है, तो देखा कि ऑटो था। चीख पुकार मची हुई थी, जिसमें एक बच्ची मैंने अपने हाथों से स्वयं निकाल के अस्पताल तक भाग कर लेके गए, और उसमें 3 लोग जिसमें एक वृद्धा बूढ़ी औरत थी और 1-2 लोग और थे, वो परिजन सामने वाली दुकान पे लेटे हुए थे। तो हमने जो हुआ आनंद फानंद में बच्ची को ले जाके हॉस्पिटल ले गए, फिर जो बचे हुए थे वो भी हॉस्पिटल पहुँचे। आज बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती थी, और अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसके नीचे कौन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोई है नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें 1-2 व्हीकल नीचे दबे हुए हों। लेकिन आज ये प्रशासन या ठेकेदार की एक बहुत बड़ी लापरवाही रही, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये समय जो था एक स्कूल का आना जाना समय था और मार्केट का समय है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती थी एक अलीगंज के लिए, बहुत बड़ी। इसमें 2 से 4 मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता था। कितने लोग इसमें दबे हुए थे? इसमें मैंने मौजूद अपने हाथों में करीब 5 लोग थे जो अभी सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, और एक जिसमें वृद्धा बच्चे ज़्यादा थे, और बड़ी एक लापरवाही होने से बची अलीगंज की, एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा भी कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिसमें कि अभी भी एक हिस्सा गिरने के लिए खड़ा हुआ है, JCB प्रशासन ने मंगाई है। देखते हैं क्या होता है।